सुशांत में सीबीआई की जांच के ऑर्डर दे दिए गए। हम बिहार सरकार के प्रति, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के प्रति शुक्रगुजार हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस परिस्थिति में मौत हुई थी और हम जिस 14 जून से लगातार इस मुहिम में लगे हुए थे, वो मुहिम का जो है एक तरह से समझिए समापन हो गया और सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो माफियावाद है और जिस परिस्थितियों के कारण सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, वो सबों का पर्दाफाश हो जाएगा और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है एक साफ सुथरी और ठीक हो जाएगी। साथ में यह भी आरोप आप लगा रहे थे कि इनकम टैक्स और एनआईए की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। उसमें माफिया का पैसा लगा हुआ है, आतंकवाद का पैसा लगा हुआ है, ड्रग्स के मनी रखे हुए हैं, ब्लैक मनी लगा हुआ है, और इसी कारण से, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने के कारण, जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, वो एक आध फिल्मों में सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन बाद में उनको दबा दिया जाता है, उनको किसी को पागल करार दिया जाता है, किसी का करेक्टर असेसमेंट किया जाता है, किसी को फिल्म नहीं दी जाती है, फिल्म में उसको एग्रीमेंट साइन करके उसको फिल्में देने का काम ही नहीं करते हैं, जिसके कारण 3-4 साल वो भुखमरी के कगार पर चला जाता है। इस कारण से उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने एसआईटी की बात की है, जिसमें एनआईए की भी जांच होगी, ईडी की जांच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और उसमें इनकम टैक्स की भी जांच होगी, बेनामी की जांच होगी, और मुझे लगता है कि जांच उसी दिशा में आगे बढ़ेगी।